गुड मॉर्निंग क्लास सेवन टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज टेन पॉइंट फाइव कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल पीक्यूआर पी क्यू आर वेयर एंगल क्यू इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री क्यू आर एट सेंटीमीटर एंड पी आर टेन सेंटीमीटर यहाँ पर आपको टू मेजरमेंट्स गिवन है तो हम क्यू आर है बेस लेंगे क्योंकि क्यू हमें नाइन्टी डिग्री गिवन है तो लेट ड्रॉ क्यू आर एट सेंटीमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़रमेंट होनी चाहिए आपकी क्यू आर एट सेंटीमीटर क्यू पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कंपस खोलेंगे और एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे उसके बाद 90 डिग्री का एंगल तो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत सारा आप पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं तो किस तरीके से ड्रॉ करना है अब आपको यह पता लग चुका होगा फिर 120 के आग पर रखेंगे पहले 60 के आग पर रखा था एक आग लगाई फिर 120 ट्वेंटी की आग पर रखेंगे और एक आग लगाना है आपने जहां पर ये दोनों आग कट करेंगी वहां पर आपका एंगल होगा 90 डिग्री दिस इज स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री क्यू आर एट सेंटीमीटर आप ले चुके हैं अब हमें चाहिए पी आर टेन सेंटीमीटर पी आर देट मीन्स एक पॉइंट तो आपका आर है तो इस आर पर हम कंपस रखेंगे और एक आग आर पॉइंट पर हम कंपस रखेंगे और टेन सेंटीमीटर कंपस ओपन करके यहाँ पर हम एक आग लगाएंगे टेन सेंटीमीटर ओपन करिए स्केल को बिल्कुल फिक्स रखना है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आपने टेन सेंटीमीटर लेना है ये देखिए ये टेन सेंटीमीटर अब आपकी मेजरमेंट हो गई अब आप आर पॉइंट पर कंपस रखेंगे और पेंसिल के टिप जो है वो इस पॉइंट पर नाइन्टी डिग्री की लाइन पर जाकर कट करेगी इस तरीके से देखिए यहाँ रखेंगे और इस तरीके से 90 डिग्री की लाइन पर जाकर कट करेगी अब ये जो कटिंग पॉइंट आपके पास आया है दैट पॉइंट इज़ आर जो दैट पॉइंट इज पी That point is P. Now join PR. Now PR join karenge. This is ten centimeter. So this is a required right angled triangle. Now come to the question number two. Construct a right angled triangle whose high hypotenuse is six centimeter long and one of the legs is four centimeter long. अब have high hypotenuse six centimeter एक लेग आपकी फोर सेंटीमीटर है तो हाई पोटिन्यूज तो ग्रेटेस्ट साइड है और लेग कितनी है फोर सेंटीमीटर तो हम फोर सेंटीमीटर की जो है एक बेस ड्रॉ करेंगे यहां पर यहां पर फोर सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे अब यहां पर नेमिंग नहीं गिवन तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं क्यू आर नेम ही दे, दे देते हैं फोर सेंटीमीटर और ट्राइंगल कौन सी है राइट एंगल्ड तो दैट मीन्स एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का होगा हो ही होगा तो उन्होंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया कि, कि किसके ऊपर 90 का बनाना है तो अब लेट हम बनाते हैं क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल वैसे ही सेम सामी सर्कल ड्रॉ करेंगे फिर से 90 डिग्री का एंगल यहां पर रखेंगे 60 की आर्क पहले फिर हम लगाएंगे 120 की आर्क फिर 60 पर ऐसे ही रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ एक 120 डिग्री की आर्क पर तो जहां पर आपकी ये टू आर्क कट करेंगी वो आपका इस क्यू पॉइंट के साथ आपने उसको ज्वाइन करना है तो ये आपका बन जाता है 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपने आप ही हमें यहाँ पर 90 का एंगल ड्रॉ करना होगा हाई फोर्टीन्यूज इज सिक्स सेंटीमीटर दैट मीन्स अब हमें सिक्स सेंटीमीटर का कंपस ओपन करना होगा सिक्स सेंटीमीटर एग्जैक्ट मेजरमेंट जीरो से है तो अब हम राइट एंगल हाई पार्टीन्यूज है तो हाई पोर्टिन्यूज ग्रेटर ये हो आपका परपेंडिकुलर होता है ये आपका बेस होता है हाई पॉटीन्यूज हमारी यहाँ से ड्रॉ होता है पॉइंट आर पर यहाँ पर हम हम कट कर देंगे सिक्स सेंटीमीटर और ये पॉइंट हम कटिंग पॉइंट को हम नेम दे देते हैं पी उसके बाद अब हम पी और आर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इट विल बिकम्स अ हाई पोर्टीन्यूज दैट इज द ग्रेटेस्ट साइड राइट ट्रा के अंदर दिस इज सिक्स सेंटीमीटर दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड द हाई फोर्टिन्यूस दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज जहाँ पर नाइन्टी डिग्री का एंगल है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल फिर से कौन सी ट्राइंगल है राइट एंगल्ड बट अब थोड़ा सा डिफरेंट है आइसोसेलिस जिसके अंदर टू साइड्स इक्वल होती हैं मेज़रमेंट ऑफ एंगल ए सी बीज नाइन्टी डिग्री एंड ए सी इज़ इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर अब हमें अगर आई सू सेलिस बनानी है तो आई सू सेलिस का मतलब होता है टू साइड इक्वल यानी अगर एक साइड ए सी आपको सिक्स सेंटीमीटर दिया हुई दी हुई है तो थ्री साइड्स में से एनी टू साइड सिक्स हैं तो दैट मीन्स अगर ए सी सिक्स है तो एक और साइड हम सिक्स बनाएंगे और थर्ड साइड जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मेज़र हो जाएगी तो हम सिक्स सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटीमीटर इसे हम नेम देंगे ए सी जो कि क्वेश्चन में गिवन है सेंटीमीटर उसके बाद A, C, B, C पर हमें डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है कंपस खोलेंगे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे अब तो आप सबको 90 का एंगल बनाना आ गया होगा बार बार हम सम्स में 90 का एंगल जरूर बना रहे हैं ऑलमोस्ट सम्स में हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया है एक बार 120 के आग पर और एक बार 60 के आग पर अब जहां पर ये टू रेज आप इसमें कट करेंगी आपको यहां पर ये ज्वाइन करना है इट विल बिकम्स 90 डिग्री नाउ आइसोसेलेस। है तो आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल होती हैं तो अगर ये सिक्स सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी सिक्स तो हम सिक्स सेंटीमीटर इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड टू साइड्स नहीं हो सकती हैं एक ट्राइंगल के अंदर अगर हम सिक्स सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करेंगे अगर हम इस ए पॉइंट से ड्रॉ कर दे तो इट विल नॉट कट दिस लाइन 90 डिग्री की लाइन को ये कट नहीं कर रही है इसका मतलब वैसे भी आपका जो सिक्स सेंटीमीटर अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर हाई पोर्टीन्यूज तो ग्रेटेस्ट साइड होती है तो इसलिए हाई पोटीन्यूज तो ये हो ही नहीं सकती क्योंकि वो सिक्स से ग्रेटर ही होगी अगर आपकी टू साइड सिक्स हैं तो थर्ड साइड विल बी ग्रेटर तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की लाइन पर सिक्स सेंटीमीटर जो है वो कट करेंगे और इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी क्योंकि अगर आप ए पॉइंट से लोगे भी तब भी ये इस लाइन को कट नहीं कर रही है तो इसका मतलब वैसे भी ये ग्रेटेस्ट साइड होती है तो हमें इसको सी पर रखना होगा ट इज़ सिक्स सेंटीमीटर अब हम इसको ज्वाइन करेंगे बी और ए पॉइंट को आपको यहाँ पर मेजरमेंट जरूर राइट करनी है तो ये देखना ये वैसे भी आपकी साइड ये बी और ए को ज्वाइन करेंगे ये दोनों साइड से ग्रेटर ही मिलेगी दैट इज़ द हाई पॉटीन्यूस साइड और अगर आप इसको स्केल से मेज़र करते हैं तो ये साइड आपकी आ रही है एट पॉइंट फाइव समथिंग अप्रॉक्स एट पॉइंट ये आपकी साइड आ रही है एट पॉइंट फोर या एट पॉइंट फाइव के बीच में आ रही है तो इस तरीके से आप अब ये देखिए कि सिक्स सेंटीमीटर से तो ये साइड कैसी है ग्रेटर है सो इट इज़ कॉल्ड द हाई दिस इज़ प्रोपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस